अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अच्छा, जैसे मैं एक स्टेप आगे, आप एक स्टेप पीछे क्यों हुए, ये बताएं। बस ऐसे। क्यों आपको लगता है मैं खूंखार दरिंदा हूँ? Is that true? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन बाकी इधर लोगों को लगता है। Why people do think that? Seriously, tell me. Because I think आप थोड़ी बहुत insult कर देते हो लोगों की। थोड़ी बहुत मतलब क्या? मैंने ऐसी आपने सारी जिंदगी में अगर कोई आपको एक ऐसी चीज याद हुई जो आपको लगा ये insulting बात थी, ये नहीं करनी चाहिए थी? वो ड्रेसिंग के लिहाज से आप कर देते हैं। नहीं, this is my show, this is all about my show. I have to tell you guys, ask you guys. मैं सिर्फ पूछता हूँ जिस तरह मैं आपसे पूछूंगा, टेल मी इस गर्मी में आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? इस तरह के। वेरी गुड, टेल अस कि किस तरह के हैं? लॉन्ग शर्ट, कैप पे। वेरी गुड। अच्छा, इस गोल्डन, ब्लैक एंड गोल्डन। समर में आप अभी इसके बाद सुबह से तो कहीं नहीं गई? नहीं। राइट, क्योंकि इन कपड़ों में तो आप सुबह के टाइम नहीं निकल सकती थी जितनी गर्मी है। राइट, लेकिन रात के वक्त आज आप सारे अपना शौक पूरा करते। घड़ी क्यों पहनी? अच्छी लगती है मुझे। वेरी गुड। इसके अलावा सिर्फ अच्छी लगती है? टाइम ठीक है, अच्छा लगता है। अच्छा, अब आपने ऑनेस्टली होके बताना है, ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए। जो लोग कहते हैं जी घड़ी मोबाइल में है, घड़ी पहनना जरूरी नहीं है, घड़ी शो ऑफ है, उनके बारे में क्या कहेंगे? ऑनेस्टली, टीवी नहीं है, ये कैमरा नहीं है, आप क्या कहेंगे? ऑनेस्टली बताऊंगा। ऑनेस्टली यार, उनके पास होती नहीं, आई थिंक, है ना, ड्रामेबाजी करते हैं, बकवास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखिए अगेन जी, घड़ियों की रेंजेस हैं, ठीक है, 1000 से शुरू होकर करोड़ों में जाती हैं, ठीक है। आप अगर सिर्फ इससे एक वजह से 100 में मिल जाती है, नो डाउट इनको पता है, तो वही 100 वाली नहीं है। नहीं, आई कैन सी आपकी अम्मी की है। देखिए मैं अम्मियों तक पहुंच जाता हूँ, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी विंटेज वॉच है, तो अच्छी फिर पास है, थोड़ा सा दूर है। अब टेल अस, हाँ जी, ड्रामा था, ठीक है, सारी आपकी सहेलियां भी, आप लोग जरा थोड़े से जरा ना थोड़ा सा जोर लगा कर आए, यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं है, जो उठ के आ जाता ना बंदा बगैर मुंह धोए, तो वो उस तरह नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी सारी सहेलियों में सबसे प्यारी लग रही है? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हाई? नहीं, अच्छी लग रही है फ्रेंड्स की तरह, बाकी फ्रेंड्स भी अच्छी लग रही हैं। सबसे अच्छी लग रही है? लग रही हूं। लो जी, बहुत मुश्किल है लड़की के मुंह से ना, लड़कियों के सामने तारीफ। वैसे अकेले में तो ये सोचेंगे आज तो बकवास ही लग रही थी, आज मैं ही छा गई हूँ। ग्रुप में ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। अच्छा, आप लोग जब लड़के देखते हैं 4-5 इकट्ठे, आप लोग कहते हैं यार वो सही है, उसके कपड़े अच्छे हैं, वो वाला बिल्कुल लल्लू है, वो वाला फटीचर, ऐसा होता है? बहुत कम, ज्यादा होता है? नहीं है, जब मैं वो टीवी पे मैं वो काम करता हूँ तब वो बुरा है, आप लोग कर लें ठीक है, वो तो गॉसिप्स होती है ना फ्रेंड्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप ओपनली सबके सामने, यहाँ मैं खाने के तरीके बता रहा हूँ, ये आलू डालें, ये इस तरह थोड़ी है। देखिए जी, मेरे शो का जो मेन थीम है, मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता दूँ, देखिए अब तैयबा राइट, तैयबा के बारे में, मेरे बारे में उनको है कि ये लड़का बिस्ती करता है, इसका शो इसलिए हिट है, ये वगैरह। लेकिन देखिए, हमने आपसे पूछा अगर आप कोई ऐसी बात करेंगे जो बिल्कुल जिसका सर पाँव ना हो, तो मेरा तो बनता ना आपका गला काट दो, लेकिन आपने जो बातें की उनके सर पाँव थे तो आपका गला नहीं कटेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बिल्कुल। चूड़ियां वगैरह नहीं पहनते गर्मी में? नहीं। अभी आपने एक लड़की देखी थी, उन्होंने बड़े लाइट कलर्स पहने थे, यू नो, फ्लारी एंड ऑल दैट लॉन प्रिंटेड स्टफ, वो बहुत कूल लग रही थी। एक्स्ट्रा वो ऐसी लड़की थी कि आप गर्मी में उन्हें देखे ना, आपकी प्यास खत्म हो जाएगी यार, फ्रेश कलर। तो आपको क्या हुआ? मैं नॉर्मली फ्रेश ही पहनती, बस आज अच्छा लग रहा था ब्लैक पहनने का मूड। इंटरव्यू के शुरू में मैंने आपको खुद बताया था कि आप एक ओकेजन पे आई हैं, इसलिए आपने इसलिए किया, वरना आपने भी उस तरह ही आना था। किसी को आइडियलाइज करती हैं कोई ऐसी सेलिब्रिटी, कोई ऐसी पर्सनालिटी विच यू थिंक कि जो बहुत आला है जिसका फैशन लड़कियों में? नहीं, सच्चा कोई नहीं। कोई भी नहीं यार, ऐसे क्यों आप किसी को आइडियलाइज नहीं करते? नहीं, स्पेसिफिक कोई नहीं है, बाकी जब देखो हर एक चोरी तो करते हैं, मतलब आप लोग कपड़े तो चोरी करते हैं, वो तो मुझे पता है। डिजाइनर्स के ये हैं वो लोग, डिजाइनर्स जो आपके कपड़े चोरी करते हैं रुसालों में से, और रुसाला भी नहीं खरीदते राइट? नहीं, तस्वीर खींच ली फोन में से, 300 का रुसाला दिमाग में फिट हो जाता है ना डिजाइन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत फ्यूचर खराब। रेट यू सर्फ आउट ऑफ 11, इट्स ऑल गोल्डन एंड ब्लैक, टू कलर्स, सेवन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एवरेज मार्क्स दिए ताकि हम लोग उनको या तो कम करेंगे, ज्यादा करें, हम जरूर करेंगे। थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। यदि तई बार बहुत अच्छा लगा इनसे बात करें, वेरी कॉन्फिडेंट कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? अली मुराद। अली क्या करते हैं? स्टडीज करता हूँ, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। मीडिया? या एग्जैक्टली। अली क्या फ्यूचर प्लान्स है? हीरो बनना है, बिहाइंड द कैमरा रहना है? हीरो भी बनना और डायरेक्ट भी करना। नहीं बनोगे, ये जो तुमने किया ना अभी, इसमें तुम्हारे अंदर चार्म है। अच्छा, क्या मतलब कैसा हीरो बनना है? इमरान हाशमी टाइप, अजय देव? नहीं यार, वो मतलब वो मुझे फॉलो करेंगे, ऐसा हीरो बनना है मतलब। ठीक, जल्दी आओगे गाड़ी के लिए अली। चलो, हीरो बनना है, स्केल ऊपर चला गया अली मुराद, अब उस पर उस लेवल पे बात होगी। अली मुराद आजकल फैशन क्या है?
आजकल फैशन अली एक्टर हां आई कैन सी दैट आई कैन सी दैट माशाल्लाह अली बताएं आजकल जो ट्रेंड्स हैं व्हाट यू थिंक कि आपने हीरो भी बनना है तो यू हैव टू मेक योर ओन लुक ठीक है और बॉडी शॉडी भी जिम शिम जा रहे हैं नहीं जिम शिम नहीं जा रहे चलिए वो चली जाएगा बाद में लेकिन कपड़ों शपड़ों के बारे में बताएं अबाउट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज माय रस्टफ स्टाइल गर्मी बहुत है और गर्मी में यू नो अवॉइड किया जाता है बटन भी खोले फुल जांबाज लुक है अंधेरी रातों में हां full so, I have Adidas all shoes very good it's all you know wo jo hoti na aati thi ad wo jo man wo jo haath andar jata hai to wo banda yaad rakhta hai it's all about manly look hai cowboy look hai exactly theek hai you know mustache and french style theek hai ghadi bhi acha ye ghadi dheeli wali kyun pehante hain ladke raghu bhai style it's also a manly style manly style to ye jiski wrist ke sath lagi hai wo lagta hai uski apni hai exactly very good yaar Exactly. ये तो फ्री साइज है जो मर्जी दोस्त तू भी पहन तू भी पहन आज तो ले जा परसों मैं ले जाऊं होता मैंने किया बचपन में इसलिए मुझे पता अच्छा एनीवे अली टेल अस आपको क्या लगता है आपकी जो लुक थी एज अ हीरो फ्यूचर में अगर अली मुराद को हीरो देखना तो आपको लगता है कि आज की जो लुक थी अगर कोई डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर आया हो जो हम टीवी पे हैं आप आज टीवी पे आए हो तो लोग आपको देख के इंप्रेस होंगे आपसे हां लोगों को इंप्रेस कंपेयर योरसेल्फ टू फवाद फवाद मुस्तफा अगर लोग इंप्रेस होते हैं तो इट्स ओके अगर नहीं भी होते आपको क्या लगता है लोगों की वैसी की तैसी आपको क्या लगता है लोगों को इंप्रेस होना चाहिए अच्छा हां क्या इसमें क्या था बताओ क्योंकि मतलब मैं जिस कंडीशन में भी हूं एक एक्टर हूं और मेरे अंदर जो भी एक्टिंग है वो आप देख रहे हो नहीं कपड़ों की पर्सनालिटी की बात अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी अगर आप बात करते हो तो फिर भी इंप्रेस होना चाहिए क्या था वो क्योंकि कुछ तो चेंज किया ना मैंने ये यू नो लाइक उतार ना देना बस ठीक बटन खोले हुए हैं और जींस पहनी हुई है यू नो डेली डेली वॉच तो सब कुछ ऐसा है जो एक एक्टर में यार इस बॉय की अपनी एक वर्ल्ड है और उसमें बहुत ही सेटिस्फाई बनता है इसको कुछ नहीं कहेंगे हम लोग आपको सिर्फ पूछेंगे आप कितने नंबर दोगे अपने आप 11 ऑफ 11 कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इनकी आंखों में है कि कहीं जाएंगे इनकी आंखों में अब वो अगले की आंखों में भी होना चाहिए कि इनको लेके जाए थैंक यू अली अब